सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। सो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको क्या देने वाला हूँ, ये तो आपको टाइटल थंबनेल लेके समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कोचिवली LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस की एक्टिविटी। और आज की जो एक्टिविटी होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है द साउथ कोंकण रूट के वर्जन 1 पर। तो जैसे कि दोस्तों आपने देख लिया होगा, पिछले हफ्ते हम लोग ने साउथ कोंकण रूट को रिलीज़ किया था। तो आज दोस्तों मैं आपको एक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना दोस्तों, ताकि आपके इसमें से कोई भी प्रोसेस मिस ना हो सके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हमारे लोकोमोटिव एंड कोचेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे उस वाले प्रोसेस से। तो जैसे आप लोकोमोटिव एंड कोचेस को डाउनलोड करोगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो ऑल लोकोमोटिव्स एंड कोचेस फॉर कोंकण रूट करके फाइल आपको दिखाई दे देगी दोस्तों आपके जेड आर्चीवर में। और फिर जैसे आप उसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हैश दिखाई देंगे। तो सिंपल दोस्तों, आपको वो सारे हैश को करना है सिलेक्ट ऑल, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ सिंगल प्रेस करना है और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना है दोस्तों। और फिर जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद आपको जाना है डिवाइस मेमोरी, उसके बाद आपको जाना है दोस्तों एंड्रॉइड डेटा, और फिर आपको जाना है दोस्तों com.m3vgames, और फिर फाइल्स फी यूज़र डेटा। और यूज़र डेटा में जाने के बाद दोस्तों, अगर आपका ओरिजिनल फोल्डर में हैश पहले से ही एग्जिस्ट होंगे तो दोस्तों आप सिंपल लोकल फोल्डर में चले जाना। और लोकल फोल्डर, अगर आपका लोकल फोल्डर भी भरा होगा तो सिंपल आप उसको रीनेम कर सकते हो दोस्तों हैश को, या फिर आपका लोकल फोल्डर में आपने कौन से भी ऑब्जेक्ट्स या फिर रूट को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सिंपल लोकल फोल्डर में जाके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला दोस्तों, एकदम प्रॉपर तरीके से आपके जो एडॉन्स है वो वर्क करेंगे और आप एक्टिविटी का मज़ा उठा पाएंगे। लेकिन गाइज, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप रूट और रूट ऑब्जेक्ट्स और हमारे ये अपना एक्टिविटी, तो ये तीनों को दोस्तों आप ओरिजिनल फोल्डर में ही एक्सट्रैक्ट करना। सिर्फ और सिर्फ लोकोमोटिव एंड कोचेस को आप लोकल फोल्डर में कर सकते हो, क्योंकि मैंने लोकल फोल्डर में ही किया है और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है दोस्तों अभी तक। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप रूट एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट्स को ओरिजिनल फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना, और आपके जो लोकोमोटिव एंड कोचेस होंगे उसको लोकल फोल्डर में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी 50% हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपके पास दोस्तों ये फाइल पहले से ही होगी 915 MB की, तो ये फाइल आपको वापस डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो एक्स्ट्रा एडवांस मैंने प्रोवाइड किए हैं दोस्तों ब्लॉगस्पॉट के लिंक पे, तो सिर्फ उसको आपको डाउनलोड करना है, और उसको भी एक मतलब वो वाले एडवांस को भी एक ही हैश में आप डाल सकते हो, एक न्यू हैश बनाकर लोकल फोल्डर में या फिर ओरिजिनल फोल्डर में कहाँ पर भी आप वो हैश को डाल सकते हो दोस्तों। तो ये 915 MB की फाइल दोस्तों आपको सिर्फ वन टाइम डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यही एडवांस के साथ हमारे सारे एक्टिविटीज़ आएंगे दोस्तों। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो आर्चीव है वो अभी सक्सेसफुली डीकम्प्रेस्ड हो चुका है दोस्तों, और हमारा जो रूट एक्टिविटी के जो लोकोमोटिव एंड कोचेस है वो भी फाइनली यहाँ पर एकदम प्रॉपर एकदम राइट वे में एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, डीकम्प्रेस्ड हो चुके हैं दोस्तों। तो देख सकते हो एकदम सीक्वेंस में एकदम हैश हमारे लग गए हैं। और वापस दोस्तों एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद अगर यहाँ पर आपको assets.tdx फाइल विजिबल होगी तो assets.tdx फाइल को दोस्तों आपको कंपलसरी डिलीट करना है, वरना दोस्तों ये जो लोकोमोटिव एंड कोचेस है वो आपके गेम में दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए दोस्तों assets.tdx फाइल को डिलीट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक्टिविटी को कैसे इंस्टॉल करनी है। तो जैसे दोस्तों आप एक्टिविटी डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, कोचिवली LTT SF यानी कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस एक्टिविटी। तो सिंपल दोस्तों आपको उसको कॉपी या फिर एक्सट्रैक्ट करना है, आपके ऊपर आप जो चाहिए वो कर सकते हो। तो सिंपल एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जाना है दोस्तों डिवाइस मेमोरी, वही हमारा पुराना प्रोसेस डिवाइस मेमोरी, फिर एंड्रॉइड डेटा, डेटा के बाद com.m3vgames, फिर कॉम्प्यूटर इंटरव्यू गेम्स के बाद आपको जाना है फाइल्स यूज़र डेटा। और जैसे कि मैंने पिछले अभी बताया दोस्तों आपको कि एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्ट्स और रूट को आप ओरिजिनल में ही एक्सट्रैक्ट करना, तो ओरिजिनल में जहाँ पर आपका पुराना मतलब हैश एंड हुआ होगा पिछला, तो उसके आगे वाला हैश आपको क्रिएट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अभी हैश 49 यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, और फिर डन करेंगे, डन करने के बाद ओके, और फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। और फिर जैसे दोस्तों आप एक्सट्रैक्ट करने जाओगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा दोस्तों, तो पासवर्ड ध्यान से देखना 22114 यानी कि 22114 जो कि हमारे कोचिवली लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रनिंग नंबर है। तो 22114 ये है आपका पासवर्ड दोस्तों आज की एक्टिविटी का। और फिर जैसे आप पासवर्ड डालोगे तो आपका जो आर्चीव है वो सक्सेसफुली डीकम्प्रेस्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अंदर जाना है, अंदर जाने के बाद ये जो तीनों फाइल्स आपको दिखाई देंगे उसको आपको सिलेक्ट करना है, और फिर कट करके बाहर आपको पेस्ट करना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों,
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जो एक्टिविटी है वो वर्क नहीं करेगी। इसके लिए दोस्तों अंदर जितने भी फाइल्स होंगे वो आप कट करके बाहर पेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और फिर दोस्तों बैक आने के बाद यहाँ पर अगर ss.tdx फाइल आपको विजिबल होगी तो ss.tdx फाइल को भी आपको कंपलसरी डिलीट करना है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा रूट इंस्टॉलेशन और लोकोमोटिव एंड कोचेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो अभी दोस्तों हम लोग थोड़ा सा गेम प्ले करेंगे 10 मिनट्स का और फिर एंड करेंगे दोस्तों आज का ये वाला हमारा वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक आपको मिल जाएगी हमारे एक्टिविटी की, ब्लॉग स्पॉट की लिंक मिलेगी दोस्तों, और ब्लॉग स्पॉट की लिंक के अंदर आपको एक्टिविटी की लिंक, हमारे लोकोमोटिव एंड कोचेस की लिंक, एक्स्ट्रा लोकोमोटिव एंड कोचेस की लिंक, ये सब दोस्तों आपको वहाँ पर विजिबल हो जाएगी। तो आप वहाँ पर से ये हमारी जो एक्टिविटी है उसको डाउनलोड कर सकते हो और ये देख सकते हो दोस्तों हमारा अंकोला स्टेशन और हमारी कोचिवली लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि दोस्तों अंकोला स्टेशन पर अभी वेटिंग है, मतलब हम लोग रुक रहे हैं, सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है दोस्तों इसके लिए, जो कि दोस्तों हमारा कोंकण रूट सिंगल लाइन रूट है। इसके लिए यहाँ पर हमको हॉल्ट है दोस्तों, यानी हमको रोका गया है। हॉल्ट मतलब ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है दोस्तों, इसका ऑफिशियल हॉल्ट डायरेक्ट कारवार पर है, लेकिन जो कि सिंगल लाइन रूट है तो जहां मन किए वहां दोस्तों क्रॉसिंग के लिए हमको रोका जा सकता है। तो वही दोस्तों अंकोला स्टेशन पे हमारी कोचिवली LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस वेट कर रही है कोई तो ट्रेन का, जो कि सामने से कुछ ही समय में दोस्तों आने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अभी हल्की सी ट्रेन दिख रही है दोस्तों, सामने से जो ट्रेन आ रही है थोड़ी सी ट्रेन यहाँ पर विजिबल है, मतलब सामने का पोर्शन देख सकते हो आप, मतलब एकदम थोड़ा सा दिख रहा है, एकदम छोटा सा। तो धीरे धीरे जैसे पास आते जाएगा दोस्तों वैसे हमको विजिबल हो जाएगा। और देख सकते हो आज जो हमको गाइस लोकोमोटिव, मतलब आपको जो लोकोमोटिव मिला है वो है दोस्तों WDM3D इरोड शेड का लोकोमोटिव और WDM3A कल्याण शेड का लोकोमोटिव। तो मस्त बढ़िया से ट्विन अल्को लोकोमोटिव्स आज आपको चलाने मिलने वाले हैं दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक फ्रेट ट्रेन आई है और WDP4D लोकोमोटिव इन लीड है दोस्तों, और WDP4D SBI शेड, नहीं SBI नहीं, विजय शेड का लोकोमोटिव है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइज एक फ्रेट ट्रेन यहाँ पर अराइव करते हुए BCNA के कोचेस है साकरनी के, और साकरनी के कोचेस के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर अंकोला स्टेशन पर एक फ्रेट ट्रेन अराइव करते हुए। और आज के दोस्तों ये वाले एक्टिविटी में आपको हर एक स्टेशन पे क्रॉसिंग देखने मिलने वाली है दोस्तों, अंकोला से असनोटी के बीच में जितने भी स्टेशन आपको दिखाई देंगे दोस्तों वो सब स्टेशन पे आपको क्रॉसिंग देखने मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये रूट शॉर्ट डिस्टेंस रूट है और आपको खेलने में भी कंटाला नहीं आना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैंने हर एक स्टेशन पे एक एक दो दो क्रॉसिंग्स आपको प्रोवाइड की है। तो आई होप कि आपको मतलब ये वाला एक्टिविटी अच्छी लगेगी। तो ज़रूर दोस्तों एक्टिविटी को पूरा प्ले करना, और प्ले करने के बाद आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है गाइस वो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया और एक्टिविटीज़ आते रहेंगे दोस्तों, और जो कि दोस्तों अभी कॉलेज वगैरह सब स्टार्ट हो गया है तो गाइस रूट पे वर्क करने का गाइस टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा दोस्तों, इसके वजह से थोड़ा रूट डिले हो सकता है हमारा कोंकण रूट वर्जन 5, लेकिन मैं ट्राई करूँगा दोस्तों कि फटाफट आप सभी के लिए वो रूट रिलीज़ करूँ। ये मुझे भी पता है दोस्तों आपके बीच में उसके रिलेटेड एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैं गाइस मेरा पूरा 100% ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आप सभी के लिए मैं कोंकण रूट का वर्जन 5 लेके आ सकूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों फ्रेट ट्रेन एकदम प्रॉपर तरीके से अराइव हो चुकी है अंकोला स्टेशन पे, और हमारी जो ट्रेन है दोस्तों कोचुवली LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस तो फाइनली यहाँ पर से डिपार्चर ले लिया है दोस्तों हमारे ट्रेन ने, और बढ़ रही है दोस्तों अभी हमारी ट्रेन मुंबई की तरफ लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तरफ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है चगिंग वगैरह देख सकते हो आप, धुआँ उड़ रहा है आगे वो जो कि ट्विन लोकोमोटिव्स लगे हैं एल्को लोकोमोटिव्स, तो मस्त बढ़िया सा यहाँ पर। और पिछले गाइस मतलब मुझे जब भी रूट रिलीज़ किया था तभी ये जो HUD आइकॉन आप देख रहे हो, मतलब नेक्स्ट सिग्नल लिमिट हो सर स्पीड लिमिट वगैरह का,
तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था दोस्तों जब भी रूट रिलीज़ किया था। तो इसीलिए दोस्तों आज ये वाले एक्टिविटी में आपको ये वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा, नेक्स्ट सिग्नल लिमिट। नहीं तो क्या होता है गाइस, कोई कोई लोग पैसेंजर व्यू से जर्नी को एंजॉय करते रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि आगे येलो सिग्नल है या फिर रेड सिग्नल है, और फिर वो सिग्नल ब्रेक हो जाता है और फिर पूरी एक्टिविटी दोस्तों, मतलब समझ लो ना, पूरी एक्टिविटी आपको वापस से रिस्टार्ट करनी पड़ती है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर HUD आइकॉन आप सभी के लिए मैं वापस से लेके आ चुका हूँ हमारे एक्टिविटी के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत बढ़िया तरीके से अंकोला आउटर से हमारी कोचिवली LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है दोस्तों। और अभी ये ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है दोस्तों कारवा स्टेशन, लेकिन जो कि कोंकण रेलवे सिंगल लाइन रूट है तो हरवाड़ा स्टेशन पे भी आपको क्रॉसिंग देखने मिलेगी। तो हरवाड़ा तक गए हम लोग पूरी जर्नी नहीं करेंगे, तो अभी मैं वीडियो को कट करता हूँ इन द सेंस कि अभी मैं जो जर्नी करूँगा वो 100 km/h की स्पीड में करता हूँ, और वीडियो को थोड़ा कट करके डायरेक्ट हरवाड़ा आउटर पर दोस्तों हम लोग मिलेंगे। तो हरवाड़ा आउटर पे दोस्तों अभी हम पहुँचेंगे 2 सेकेंड्स के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अभी हम लोग हरवाड़ा आउटर पर पहुँच चुके हैं और सिग्नल हमको येल्लो मिल चुका है। लेकिन गाइस जैसे ही आप स्टेशन पे अराइव करोगे तो ये जो येल्लो सिग्नल है वो रेड हो जाएगा दोस्तों, तो ज़रूर देखते रहना। ये अभी देख लेना दोस्तों कितना 2.1 किलोमीटर बचे हैं येल्लो सिग्नल के लिए, मतलब स्टेशन के मतलब एंड में है ये सिग्नल, डायरेक्ट स्टेशन के आउटर पर सिग्नल नहीं है हरवाड़ा के। तो देख लेना दोस्तों जैसे आप लूप लाइन पर हमारी ट्रेन पहुँच जाएगी वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हरवाड़ा पर थोड़ा स्पीड पे कंट्रोल करना, नहीं तो अगर आप समझ जाओगे कि येलो सिग्नल है मतलब उसके बाद रेड सिग्नल होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट आपको रेड सिग्नल ही आने वाला है। और ये सीन देख सकते हो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से हरवाड़ा का। और गाइस द साउथ कोंकण रूट में आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा है यार, ये भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये एक्टिविटी भी प्ले करने के बाद आपको ये एक्टिविटी में सबसे बढ़िया क्रॉसिंग कौन से स्टेशन पे लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कोई भी आपकी क्यूरी होगी दोस्तों तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे मुझे DM करना, मैं ज़रूर आपकी क्यूरी को सॉल्व करूंगा दोस्तों। और कुछ भी आपकी क्यूरी होने तो ट्रेन रिलेटेड होने या फिर कुछ और परमिशंस रिलेटेड, तो ज़रूर दोस्तों इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं ज़रूर आप सबको रिप्लाई करूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो अभी हम लोग हरवाड़ा पर अराइव हो रहे हैं और ट्रेन की स्पीड भी हम लोग ने पूरी मिनिमाइज़ कर ली है, ऑलमोस्ट 40 km/h की स्पीड में हम लोग हमारी ट्रेन को चला रहे हैं 40-46। और ये देख सकते हो हरवाड़ा के आउटर पर जो हाईवे है दोस्तों, मेरे ख्याल से मड़गांव मैंगलोर हाईवे है, मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे है दोस्तों। और अभी देख सकते हो आप लूप लाइन में हमारी ट्रेन आ चुकी है, और अभी दोस्तों ये सिग्नल को ध्यान से देखना, येल्लो सिग्नल है और बस 10 सेकेंड के अंदर दोस्तों ये जो सिग्नल है वो अभी रेड हो जाएगा। तो देख लेना दोस्तों बस 10 सेकेंड और फिर ये सिग्नल ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा दोस्तों, और फिर आपको ट्रेन रोकनी ही पड़ेगी हरवाड़ा स्टेशन पर, जो कि दोस्तों हरवाड़ा स्टेशन पर आपको क्रॉसिंग देखने मिलने वाली है इसके। और ये देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों ये जो येल्लो सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली रेड होने वाला है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप HUD आइकॉन में रेड सिग्नल आ चुका है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से रेड सिग्नल आ चुका है, यानी कि हमको यहाँ पर बढ़िया तरीके से रोकना पड़ेगा। तो गाइस आई होप ये आपको आज का ये वाला हमारा जो गेम प्ले है वो और हमारी जो एक्टिविटी है वो भी अच्छी लग रही है। तो अभी कुछ ही समय में दोस्तों हमारा जो गेम प्ले है वो होने वाला है एंड, लेकिन एंड होने से पहले दोस्तों आपको मस्त बढ़िया सी गरीब रथ एक्सप्रेस की क्रॉसिंग देखने मिलने वाली है हरवाड़ा स्टेशन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम लोग ने सेटअप कर लिया है मस्त क्रॉसिंग को एंजॉय करने का हरवाड़ा स्टेशन पे, और ये सब क्रॉसिंग्स दोस्तों आपको देखने मिलने वाली है आपको एक्टिविटी के अंदर, कोचिवली LTT एक्सप्रेस के एक्टिविटी के अंदर। तो ज़रूर एक्टिविटी को डाउनलोड करना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फटाक से विजिट करना और फटाफट डाउनलोड करके प्ले करना यार। और प्ले करने वाले आपका जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है दोस्तों वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी दोस्तों, ज़रूर आपका एक्सपीरियंस शेयर करना, कुछ फीडबैक होगा तो वो शेयर करना, या फिर आपको फ्यूचर में कौन से एक्टिविटीज़ खेलने हैं वो भी आपकी कोई राय होगी तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर देना दोस्तों। तो गाइस आई होप कि आपको आज का ये वाला हमारा गेम प्ले अच्छा लगा होगा, ये वाला हमारा एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वाली एक्टिविटी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।
और ये गरीब रथ एक्सप्रेस की क्रॉसिंग आपको कैसी लगी गाइज ये भी जरूर एक बार कमेंट करके बता देना। और मस्त बढ़िया तरीके से यहाँ पर गरीब रथ एक्सप्रेस ने भी हमको क्रॉस कर लिया है, तो अभी हम लोग यहाँ पर से डिपार्चर करेंगे और वीडियो को करेंगे यहाँ पर एंड। सो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको भी ये वाली एक्टिविटी जरूर अच्छी लगेगी, तो एक्टिविटी अच्छी लगेगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्तों में भी जरूर ये वीडियो को शेयर करना जो ट्रेन खेलते होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।